बॉलीवुड ड्रग्स मामले में धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि प्रसाद इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में है। उन्हें ड्रग्स का लेन देन करने के आरोप में बीते 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को क्षितिज रवि प्रसाद ने एनसीबी की अदालत के समक्ष अपनी जमानत अर्जी दी, जिसको अदालत ने रद्द कर दिया है। साथ ही क्षितिज द्वारा एनसीबी पर लगाए गए सभी आरोपों को एजेंसी ने झूठा बताया है। जी हां, बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर जांच उस समय शुरू हुई जब एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में हस्तक्षेप किया। ड्रग्स का सेवन करने और लेन देन करने पर एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। देखते ही देखते ड्रग्स मामले की आग धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि प्रसाद तक पहुंच गई। आपको बता दें, एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर क्षितिज रवि प्रसाद ने एजेंसी पर जुर्म कबूल करने या फिर करण जौहर सहित बॉलीवुड की कुछ हस्तियों के नाम देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिसको एनसीबी हमेशा से झूठ कहती आई है। अब क्षितिज रवि प्रसाद ने विशेष नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम अदालत में अपनी जमानत अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया है। अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि क्षितिज रवि प्रसाद ने एनसीबी के अधिकारियों पर जो भी आरोप लगाए हैं वो झूठे और बेबुनियाद है। आपको बता दें, बीते दिनों क्षितिज रवि प्रसाद ने अपनी याचिका दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि उन्हें एनसीबी ने प्रताड़ित किया और जबरदस्ती रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल और डीनो मोरिया को फंसाने के लिए मजबूर किया। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। क्षितिज प्रसाद ने याचिका में लिखा था, मुझे ये नाम लेने के लिए प्रताड़ित किया गया था, मैं इन लोगों को नहीं जानता हूं और लगाए गए आरोपों के बारे में भी पता नहीं है। नेक्स्ट लाइन लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।